सांसद रामचरण बोहरा ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर जुबानी हमला किया है। बोहरा ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि जब सचिन डिप्टी सीएम थे तो उन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया। बोहरा ने इसे गहलोत और पायलट की आपसी लड़ाई बताया। इस मुद्दे को लेकर सांसद रामचरण बोहरा से बात की हमारे संवाददाता अरविंद पालावत। कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ चुकी है और सचिन पायलट मौन व्रत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने भाजपा के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शासन को भी घेरा है। हमारे साथ जयपुर शहर के सांसद रामचरण बोहरा हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो पूरा अनशन है वो यहाँ पर हो रहा है और बीजेपी पे जिस तरह से हमला सचिन पायलट ने बोला है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है। देखिए, पिछले 4.5 साल से जिस प्रकार के कांग्रेस के शासन में जिस प्रकार की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई यहाँ पर लगता ही नहीं कि यहाँ पर शासन भी है क्या नहीं है, और जिस प्रकार से कुर्सी की जो लड़ाई है सचिन पायलट जी की और आदरणीय अशोक गहलोत जी की, उनकी आपसी कलह में 2 साल तो पहले उन्होंने उप मुख्यमंत्री के नाते कुर्सी पर रहकर पूरा झगड़ा फसाद किया है, और मैं बनूं सीएम या अशोक गहलोत सीएम रहे उसमें आपस में काफ़ी ज़बरदस्त द्वंद्व उनके बीच में रहा। जहाँ तक सवाल है कि उन्होंने जिस प्रकार के जो एलिगेशन हमारे नेताओं पर लगाने का प्रयास किया है, तो जब वो 2 साल उप मुख्यमंत्री थे तब उनको ये याद नहीं आई, और अब जब जिस प्रकार का जो चुनाव नज़दीक में आता जा रहा है तो उनकी स्थिति क्या होगी, अशोक गहलोत जी उनको पूरी तरह से निमटाने के लिए लगे हुए हैं तो एक दूसरे पर वो छिटाखसी करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो 2 साल उप मुख्यमंत्री थे तब पिछली सरकार पर जो भी भ्रष्टाचार के जो आज आरोप लगा रहे तब कहाँ चले गए थे, तब उनको याद नहीं आई, और आज जब उनकी कुर्सी खिसकती जा रही है, जमीन खिसकती जा रही है, जब इधर के अनर्गल आरोप लगाने का जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आज जिस प्रकार से मैंने सुना है आपके माध्यम से कि वो आज अनशन पर बैठे हैं, तो जिस प्रकार का जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, जिस प्रकार का जितने MLA जो उतने CM राजस्थान में बने हुए हैं, लूट खसोट जारी है, तो उस पर जिस प्रकार का अनशन करें तो उनके लिए तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि आपको देर आए दुरुस्त आए, आपको अपनी सरकार के खिलाफ आज अनशन पर बैठ रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और दूसरा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है उन्होंने आज अपने सारे जो कार्यक्रम थे वो निरस्त कर दिए, और ऐसे में जो रंधावा जयपुर आने वाले थे वो भी नहीं आए, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है वो अब भाजपा तक भी पहुंच रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सीधे तौर पर घेरा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में यूनाइटेड पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री का स्लोगन है उस पर काम करने वाली पार्टी है। अब ये उनके कांग्रेस के अंदर की कलह है कि कौन CM बनेगा, कौन CM बनेगा, वो उनके पार्टी, वो खुद का विचार है। जी बिल्कुल। तो ये थे रामचरण बोहरा, जयपुर शहर के सांसद। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी कलह है वो खुलकर के सामने आ रही है, और सचिन पायलट जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि खुद कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। कैमरा पर्सन वीनू के साथ अरविंद पालावत, सच बेधड़क, जयपुर।